आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी के ऊपर ईटा पत्थर फेंक दिए। सेम मत कीजिए, चिंता कीजिए, आप चिंतित होइए इस बात पे, आप चिंतित होइए इस बात के लिए कि ये कौन नौजवान है, इनके दिमाग में कौन जहर भर रहा है, कौन इनको शांत रही है। आपके दिमाग में भी कीड़ा भर जाएगा ऐसे बोलिएगा, आग अगर लगेगी ना तो दोनों तरफ बराबर लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे मत कीजिए, नफरत को हराने के लिए किसी से नफरत मत कीजिए। अगर आप नफरत करेंगे तो अंततः वही जीत जाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। आप सोचिए कि हमारे नौजवानों के दिमाग में ये जहर कौन भर रहा है, कौन अंकुन के दिमाग में नफरत भर रहा है, इस पर आप विचार करके देखिए। ये देश के जो युवा हैं उनको क्या कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। हाँ। मैं बताता हूँ दोस्त, मेरा नाम कन्हैया है, मेरा नाम कन्हैया है, कान खोल करके सुन लो। अगर तुमको अपने धर्म पर भरोसा है, तुमको अगर अपने भगवान पर भरोसा है, तुमको लगता है कि तुम सच्चाई पे हो, तो सत्य ही ईश्वर होता है, इस बात को याद रखना। और जब सत्य ही ईश्वर होता है, ईश्वर सबसे ताकतवर होता है, तो तुमको पत्थर फेंक करके ईश्वर को बचाने की जरूरत नहीं है। हमको कोई बताया कि ये अपने आप को बजरंग दल के लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। मैं ये बात इसलिए नहीं मानता कि बजरंग बली तो लंका में जाकर के रावण का सोने का लंका जलाए थे ना। हम तो आपके यहाँ आए हैं छपरा में। भारत की संस्कृति क्या कहती है, अतिथि देवो भव। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको मेरी शकल पसंद नहीं हो, हो सकता है कि आपकी नजर में हम अक्षय कुमार नहीं हो सकता है कि हमारे विचार से आप सहमत नहीं हो, हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आपके घर में कोई अतिथि आएगा तो आप उसके ऊपर पत्थर मारेंगे? नहीं, ये तो हिंदू धर्म की संस्कृति नहीं है, ये तो भारत की संस्कृति नहीं है, ये तो भारत का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास क्या है, भारत का संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया को परिवार की तरह मानते हैं, और पूरी दुनिया को परिवार की तरह हम मानते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो क्यों कहते हो जिसका विचार तुमको पसंद नहीं है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? क्यों कहते हो? क्या पाकिस्तान जो है इस धरा पर नहीं है, इस ब्रह्मांड पर नहीं है? किस ईश्वर को मानते हो? कौन से ऐसे ईश्वर हैं जो तुमको इस ब्रह्मांड में एक जीव को दूसरे जीव से नफरत करने के लिए सिखाते हैं? कौन सा धर्म का किताब पढ़े हो? कौन सा धर्म का किताब करवाओ हमसे, पूछो, हम बताते हैं। जब हम कहते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, हर मनुष्य में जब ईश्वर का वास होता है तो मंदिर जाने वाले इंसान में भी ईश्वर है और मस्जिद जाने वाले इंसान में भी ईश्वर है। हमारे भीतर ये नफरत कौन भर रहा है? तुम सोचो इस बात पे। तुम्हारे ऊपर ये नफरत वही थोप रहा है जो तुम्हारी नौकरियां छीन रहा है। तुम्हारे ऊपर ये नफरत वही लोग भर रहे हैं जो तुम्हारे पिताजी को खेतों में आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में नफरत वही भर रहे हैं जिस नफरत की वजह से तुम्हारा भाई सीमा पे शहीद हो रहा है। इस बात को सोचो, इस बात को सोचो कि अगर समाज में नफरत फैलेगी, नफरत की आग लगेगी, तो किसी और की माँ बहन नहीं, हमारी माँ बहन भी समाज में असुरक्षित महसूस करेगी। इस बात को समझो, इस बात पे विचार करो कि आज ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है। ये देश भारत है, इसका अपना इतिहास है, और ये इतिहास किसी पार्टी और विचारधारा के इतिहास से ज्यादा बड़ा इतिहास है। किसी नेता, किसी सरकार, किसी व्यक्ति, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ा इसका इतिहास है। अगर इतना बड़ा इतिहास है हमारे देश का, तो क्या कोई इंसान
नफरत भरी बात करके हमारे वजूद को मिटा सकता है क्या? क्या कोई इस देश को कमजोर कर सकता है क्या? इस देश में 5 साल के अपने इतिहास को पूरा किया है और इस इतिहास में तमाम तरीके के उतार चढ़ाव आए हैं, तमाम तरीके की सही और गलत चीजें हुई हैं, लेकिन बार बार गलत का मुकाबला करते हुए गलत से बाहर होकर के हमने सही मूल्य को स्थापित किया है। इस देश की संस्कृति ये कहती है कि हम अपने विरोधियों को भी सुनेंगे, जिनसे हमको असहमति है उनके बात को भी हम बर्दाश्त करेंगे और जनता पे इस बात को छोड़ेंगे कि जनता किस चीज को सही मानती है। और आज इतिहास ने यह साबित किया है कि नाथूराम गोडसे ने बापू को गद्दार बोल करके उनकी हत्या कर दी, आज बापू सही साबित हुए हैं और नाथूराम गलत साबित हुआ है। इस देश का इतिहास है कि जो लोग नाथूराम को पूज्य मानते हैं उनकी भी ऐसी मजबूरी है कि जब देश की गद्दी पे बैठे हैं तो मन में भले वो गांधी को गाली दे रहे हो लेकिन कैमरे के सामने गांधी के सामने झुक करके उनके ऊपर धूल झुकाना पड़ता है, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। ये होती है सच की ताकत। इसी सच की ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमने तय किया है कि ये हिंदुस्तान हम सबका हिंदुस्तान है, ये देश हम सबका देश है और किसी भी पहचान के आधार पे, चाहे जाति का पहचान हो या धर्म का पहचान हो, क्षेत्र का पहचान हो, संस्कृति की पहचान हो, भाषा की पहचान हो, लिंग की पहचान हो, इस देश में कोई भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात की सीख हमको हमारा तिरंगा झंडा देता है, बिल्कुल इस बात की सीख हमको हमारे देश का संविधान देता है। इसीलिए मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग इस मैदान में नहीं आए हैं। अरे आप लोग तो आ गए हैं, आप लोग समझते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों है, आप लोग समझते हैं कि लोकतंत्र की जरूरत क्यों है, लेकिन जो लोग घरों में हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि दोस्त ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी का राजनीतिक कैरियर बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी को MP या MLA बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस सोच की है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। हमने अंग्रेजों से लड़ करके हमारे पुरखों ने शहादत देकर के इस देश को बनाया था और वो लड़ाई किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं बल्कि सब धर्म के लोगों ने मिलकर के लड़ा था। वो आजादी जो हमको 1947 में मिली थी उस आजादी को हमको बचाने की जरूरत है, उस मूल्य को बचाने की जरूरत है जिसके आधार पे हम लोग कहते हैं भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमने इस देश को इस रूप में स्वीकार किया है कि मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला हो, गुरुद्वारा जाने वाला हो या बौद्ध मठों में जाने वाला हो, स्कूल में जाने वाला हो या खेत में जाने वाला हो, सरकारी नौकरी करने वाला हो या प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, महिला हो या पुरुष हो, मोटा हो या पतला हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए जब चुनाव आता है याद कीजिए तो हम सबका वोट बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा होता है क्या कि छपड़ा के जो बड़का करोड़पति आदमी है उनका वोट 5 होगा और जूता सिलने वाला का वोट 1 होगा? ऐसा होता है क्या? ना। क्यों? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग, और जो हम कहते हैं हम भारत के लोग तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं जनता के बीच में। लेकिन आज ये भेदभाव हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये भेदभाव हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है कि ताकि हम एक दूसरे से नफरत करते रहे, हमारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाते रहे और ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा करके नेता बनाते रहे देश में ला करके। आप सोचिए जो ये नफरत फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, उससे क्या हो रहा है? गरीब का बच्चा, उसके हाथ में रॉड थमा दिया गया है और अमित शाह के बेटा के हाथ में BCCI का। हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस नेता का समर्थन करते हैं, इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना
दिल आया गधी पर तो परी का कहना। आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, आपने अपना दिल उनको दे दिया है, इस बात से हमको समस्या नहीं है, लेकिन दिमाग है ना अपने पास। आप सोच करके देखिए कि देश के भीतर क्या हो रहा है और जो हो रहा है क्या वो सही है। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो सही के लिए आवाज उठाना ही देशभक्ति है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए।